ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ, ਮਿਸਟਰ ਖਾਲਿਦ ਅਮੋਦੀ ਫਰੋਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਐਂਡ ਫਰੋਮ ਦਿੱਲੀ ਟੂ ਹੇਅਰ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੂ ਸੇ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਅਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੇਸਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁਣ, ਬਟ ਟਾਈਮ ਨਿਕਾਲਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਲਈ। ਸਰ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਯੂ। ਐਂਡ ਇਨਕਾ ਸਫ਼ਰ ਕੈਸੇ ਰਹਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਿਦ ਅਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਖਾਲਿਦ ਜੀ, ਸਭਸੇ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਆਪਕੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਪਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਐਂਡ ਕਿਤਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਸਰ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਸਰ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਜਬ ਆਪਨੇ ਮੁਝੇ ਪੀਪੀਆਰ ਕੇ ਲਈ ਬਤਾਇਆ ਸਰ, ਜਬ ਤੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਰ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਬ ਸਰ, ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਜੀਏ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਖਾਲਿਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸੇ ਹੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਰ ਕੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਸੇ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ, ਤੋ ਸਰ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੈਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਸਕੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ। ਸਰ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਆਇਆ ਥਾ, ਔਰ ਸਰ ਕੀ ਟੀਮ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਵੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੈਂਡ ਕੀਏ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜਬ ਮੁਝੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪੂਰਾ ਮਿਲਾ, ਤੋ ਮੈਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਆ, ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਕੀ ਮੇਨ ਟੀਮ ਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੇ ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰੇ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਆਲਰੇਡੀ US ਕਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕੋ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਰੱਖਤੇ ਹੋਏ ਵੋ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇਤਨੀ ਬੜੀਆ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਕੀਏ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ PPR ਆਇਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਰ, ਆਪ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਕੇ ਜੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਜੋਬ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਆਪਕਾ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਜੋਬ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਓਕੇ, I am working in Hyderabad as a project manager. Okay. और मेरी एक दो तीन ही कंट्रियों की ट्रैवल हिस्ट्री रही है। और जब मैं सर से कॉन्टेक्ट किया था, जब प्रोफाइल एकदम मैसअप थी, तो सर के गाइडेंस के हिसाब से, सर की टीम के गाइडेंस के हिसाब से, समझिए पूरी प्रोफाइल मेंटेन करके जब लगाए हैं सर, 3 महीने के बाद मेरा PPR आया सर, और बहुत ज़्यादा खुशी हुई सर। क्या बात है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ सर, अगर किसी को भी कनाडा के लिए स्पेशली अप्लाई करना है, तो आप वीज़ा, आप इमिग्रेशन की टीम को एक बार कांटेक्ट कर लीजिए सर। क्या बात है। एक बार ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिए सर, दे विल गाइड यू इन प्रॉपर वे, एंड दे विल वोंट चार्ज यू अनलेस दे विल स्टार्ट द फाइल। हाँ, ये है। और मैं सबको रिकमेंड करूँगा वीज़ा हब के लिए, और कनाडा जाने के बाद भी मैं रिकमेंड करूँगा तकरीबन लोगों को। एंड सर, आप आज फर्स्ट टाइम ऑफिस आए हैं? यस सर, मैं फर्स्ट टाइम आया सर। ये बड़ी अच्छी बात है। मेरा पासपोर्ट, सारा काम ऑनलाइन हुआ है ना? हाँ सर, सारा काम ऑनलाइन हुआ सर, एवरीथिंग ऑनलाइन सर, और एवरीथिंग इज फाइन एंड स्मूथ सर। तो सर एक बात बताइए, हैदराबाद वहाँ इतनी दूर है, हम यहाँ पंजाब में है, हाउ कुड यू बिल्ड अप अ ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट कैसे होता है? जी सर, वो तो सर की वीडियोस देखने से और सर की बातचीत से ट्रस्ट मालूम होता सर। क्या बात। आप कोई भी सिटी में रहिए सर, वहाँ पर फेक एजेंट्स तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सर का जो सक्सेस रेट है, सर का जो काम करने का तरीका है ना सर, मैं मानता हूँ कि 1 in all over India सर। क्या बात है। और मैं ये बताना चाहूँगा सर, ऑल ओवर इंडिया में अगर प्रॉपर गाइडेंस कनाडा के वीज़ा के लिए चाहिए, तो आप सर रंजीत सर से कांटेक्ट कीजिए सर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर विशेज, फॉर योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू सर। नहीं सर, आपकी टीम के लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद सर, शुक्रगुजार हूँ आपके लिए सर, आपने बराबर मतलब टाइम पे मेरे कॉल का रिस्पॉन्ड करते हुए मुझे गाइड किया सर। क्या बात है, ये हमारी जिम्मेवारी सर। एंड मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप स्पेशली हैदराबाद से हमसे मिलने आए फॉर थैंक्स करने के लिए। और एक चीज बताना चाहूंगा सर, आफ्टर वीजा भी सर का गाइडेंस है। मैं मिलने को आया तो सर मुझे ये पेपर वगैरह दिए, मतलब आपके फॉर्म्स एंड एवरीथिंग, मेरे फॉर्म्स एंड एवरीथिंग देके ट्रैवलिंग के लिए गाइडेंस दिए, इमिग्रेशन के लिए गाइडेंस दिए, क्या क्या चीज कैरी करना है, तो सर की तरफ से 100% असिस्टेंस है। Once again, sir. बहुत खुशी हुई सर, सर से मिलके, इतनी बार फोन पे बात कर रहे थे और यूट्यूब पर देखे सर, आज सर से मिलके बहुत ज्यादा खुशी हुई। क्या बात, हमें भी बहुत खुशी हुई सर। एंड वंस अगेन सर, मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सर। थैंक यू सर।